अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूँ रुखसार हसन, मैं हूँ गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वाफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जो हंसते मुस्कुराते रहें। तो जो आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं उसकी वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया ऑन इंडिया जीडीपी ऑफ मुंबई वर्सेस पाकिस्तान, पाक मीडिया ऑन। तो ये है हमारी आज की वीडियो का टाइटल। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कश्मीर बलूच गिलगित के साथ पूरा पाकिस्तान भी लेंगे। असल बात जो है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान बना कि कराची और बम्बई का मुकाबला था कि दोनों बराबर के शहर हैं, जैसे लाहौर और दिल्ली का। आज जो बम्बे है वो 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी सिर्फ बम्बे की है, यानी कि पाकिस्तान से आगे अकेला शहर चला गया। दिल दुखता है कराची की बात करते हुए। एक ऐसा शहर था जो बनाया गोरों ने, हमारे शहर बनाए जो सब कॉन्टीनेंट में उन्हीं की हुकूमत से पहले, मगर इसको लंदन के बराबर बनाया उन्होंने, इसको बॉम्बे या उस वक्त के जो शहर थे। माशाल्लाह हमने क्या बनाया इसको। और सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि मुलाज़मीन मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर तनख्वाहें, वर्कर कह लें उनको, वर्कर जो आपको पता है ना आपस में करते थे, वो तनख्वाहें ले रहे थे मगर वो काम नहीं कर रहे थे। ये आपस में कह रहे हैं दूसरे को। इनकी तादाद हज़ारों में है, हर जमात है। जो जो इकतदार सिंध में रहा, कराची में रहा, अपने एम्प्लॉय किए, पहली के पहली जाके पैसे ले जाते थे। कराची जो रोशनियों को शहर था, दुनिया की मरकज बना हुआ था आंखों का, उसे तबाह करने में हर जमात ने अपना अपना हिस्सा डाला है। एक जमात को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप उधर अरबों रुपए का जो फंड है वो किस किस जेबों में गया। कराची को क्या मिला? वो चाइना कटर, बोरीबंद लाशें, आम शहरियों को गंदा पानी, जब बारिश आ जाए जो जहेज का सामान डूब जाए। कभी आपने सुना किसी बड़े एमपी या एमएनए का खुदा ना खास्ता हुक्मराने वक्त का कोई नुकसान हुआ हो? आप मुझे बताएं ये कराची क्या था, इसकी तारीख क्या थी, खूबसूरत तरीन शहर रीजन का और टूरिस्ट स्पॉट था आलमी तौर पर। आज ये अच्छा मलक साहब, इससे पहले आप बात को माफी चाहता हूँ, ये बहुत शरीफ बता और होगा, वरना ये तो इतना करते ही नहीं थे कि ये बंदे के दो यूं फोन करते थे 50 लाख भेज दें, वरना रात को गोली का निशान गेट पे होगा। 2 करोड़ रुपया भेज दें, भाई का हुक्म है, सिर्फ ये मैसेज आता है और पैसे आते हैं। माफी चाहता हूं मैं। अच्छा काई साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो अंग्रेज के बारे में आपको गलतफहमी है, अंग्रेज ने कोई काम मेरे आपके लिए नहीं किया। अंग्रेज को जब, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं, जब जापान ने हमला शुरू कर दिया ना कलकत्ते तक, तो उन्होंने कपास कॉटन इंडिया से भेजनी थी लंदन, तो उन्होंने इसलिए इसको बंदरगाह बनाया था। वो आप मेरे लिए नहीं बनाया था कराची, पहली बात। नहीं, वो सेल्फिश थे, मैं इस पर अब बहस नहीं करना चाह रहा। असल बात जो है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान बना कि कराची और बम्बई का मुकाबला था कि दोनों बराबर के शहर हैं, जैसे लाहौर और दिल्ली का। आज जो बम्बे है वो 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी सिर्फ बम्बे की है, यानी कि पाकिस्तान से आगे अकेला शहर चला गया। और कराची की दो बदकिस्मतियाँ मेरे ख्याल में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। पीपल्स पार्टी 5 दफ़ा पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी है। इस वक्त पीटीआई के सबसे ज़्यादा जो एमएनए हैं ना, 14 जो हैं वो कराची से पीटीआई के हैं, और जो 21 एमपी हैं वो कराची से। मैं आपकी बात के साथ साथ नाज़रीन को ये बता दूं, नाज़रीन ये इसी कराची शहर की तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट जो समझने वाले हैं काई सर, दो बड़े अहम पॉइंट हैं। मैं ये साथ साथ सिर्फ कमेंट्री कर रहा हूँ कि ये कराची में टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये था वो कराची जो यकीन उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस में बनाया था, मगर जाहिर है हम उनकी सेल्फिशनेस वाले शहर में रहना ज्यादा पसंद करेंगे बनस्बत जहां। इसकी वजह तलाश करनी बनती है ना, इसकी दो रीजन है कराची की तबाही की। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ की आबादी 3 लाख थी, जब जो 3 लाख के शहर को आपने 70 साल में भट्टी साहब 3.5 करोड़ कर दिया, मुझे बताएं वहाँ पानी, सड़कें, आपकी सैनिटेशन कहाँ से आएगी? सबसे बड़ा मसला आपने शहरों की प्लानिंग नहीं की। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, काफ अपना एमक्यूएम जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार हैं। नंबर दो, एक बहुत बड़ा और फैक्टर है कि हमारी पोलिटिकल जो सारा कल्चर है ना वो है टॉक शो और एक दूसरे को गाली निकालना। फैक्ट ये है कि 100 साल में जो बारिश का मॉनसून का साइकिल था ना, वो दिल्ली से ऊपर नॉर्थ पंजाब में आया करता था, अब वो दिल्ली से सखर ये चला जाता है सिंध की तरफ से।
कराची में हमने कभी गौर ही नहीं किया था सिंध में बारिश होगी। अब जब मौसम की जो चेंज आई है आप देखें 10 साल अच्छा, इस मौसम की ज़िम्मन सवाल है आप इसे हाँ। कि ये जो मौसम की तब्दीली की वजह से इस हुन बरसाते हुए शहर का सारा माल जो है मौसमियाती तौर पर अब दुबई और अमेरिका जो जा रहा है उसके या मैं वही कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी भी असल मसला वो ही नहीं नहीं असल मसला देखे नाब ने प्लानिंग की पापुल अब आप लोअर का प्लानिंग नहीं की कोई हमने अपने विले खरीदे मैं इख्तलाफ राय करता हूं आप कह रहे हैं लोगों का कसूर है प्लानिंग नहीं की कोई बंदा जो हुक्मरान रहा है आपको पता है उनके दूसरे ममालिक में कितने असासे हैं वो क्यों नहीं कंगाल होते मुसीबतें आफतें तो सारे आम लोगों के लिए आती हैं कराची के जो माफिया है वो तो कभी सही फरमा रहे हैं मेरी कोई आपसे आप लंदन में प्रॉपर्टी किसकी है दुबई में किसकी है ऑस्ट्रेलिया में किसकी है कनाडा में किसकी है ये चेक तो करें जो जो हुक्मरान हैं इनमें से कौन सा बंदा है जिनकी बाहर अरबों की प्रॉपर्टी इन्होंने मेरी प्लानिंग नहीं ना कि ये तो मैं रो रहा हूं इन्होंने मेरे कराची का लोगों को छोड़ के उससे बेचा है अपनी प्लानिंग एक मैं दोनों की आपस में मीडिएट करता हूं प्लानिंग हुई है अपनी जात के लिए हुई है अपने तबके के लिए हुई काजी साहब भट्टी साहब आपकी इतला के लिए कराची कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पॉपुलेशन है खुदा के लिए आप सोचे जरा कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा रकबा है अच्छा, हमने कराची साढ़े तीन करोड़ बंदा इकट्ठा कर दिया इसका मैं जवाब देता हूँ आपकी तीसरी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी अच्छा सुन लेना नेशनल 5 टाइम कर चुके हैं छोड़ दे फिलहाल आप गाँव को इतना डेवलप कर देते कि लोग कहते यार हम तो वहां रहेंगे भाई हम तो इधर नहीं हम नहीं आए आप तो सोशलिज्म की बात करते थे रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे मैं आपके मंशूर में से ये चीजें कर रहा हूं वो अगर आपने गांव डेवलप किए होते तो ये शहर इस तरह क्राउडेड होते और फिर शहर आपने किसके हवाले कर दिए पहले बिठाया बस्तियों को पहले बिठाया करगसों को नहीं आप तो देखे ना कराची में तो आपने प्लानिंग जब मैं कहता हूँ उसका मतलब क्या पंजाब में लाहौर के अलावा कोई अच्छा है जहाँ इलाज स्कूल हो यहाँ पे भी यही मसला है केपीके में भी ये लड़ाई है जो हुक्मरान आता रहा अपना हिस्सा लिया उसने दोनों हाथों से लूटा और लोगों को टॉक इस मिसाल से आप इत्तेफाक करते हैं कि गिद्धों ने नोच के खा जिसने गिद्धों ने नोच और गरीब आदमियों को खून और हड्डियां तक चूस गए पंडित साहब हमें बड़ा डर लगता है फलां मुल्क हमारे बंदों को निकाल ना दे रोजगार ना दे ये पैसा यहाँ संवार के खर्च होता हम खुद लोगों को रोजगार देते मलिक साहब काजी साहब ये सारे मिले हुए हैं नवाज शरीफ ने जब हुकूमत ली थी ना जब इनकलाब लेने आया था तो पहला काम किया था 500 अरब रुपया दिया था आते ही आप याद करें पहले आईपीपी 478 बिलियन रुपीस और सुने ये इतनी बात नहीं अनऑडिटेड और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उन पे सवालिया निशान लगा दिया और उसके बाद उनका जो हशर हुआ बेचारा ना काजी साहब किया क्या नवाज शरीफ को वो साहबदार की खूबसूरती है उसने जब बिल अगला जब बजट पेश किया ना तो लास्ट लाइन लिख दी के बीच में 500 अरब मंजूर हो गया वो बहरहाल माजी की बात है अब आज की अब सुन ले 500-600 अरब सालाना से अपना भट्टी साहब 2018 से अब हम 2000 पे चले गए 1200 अरब रुपए का 1200 अरब रुपए का इजाफा इस रियासत मदीना की हुकूमत ने कर दिया अगले साल जितना होगा ना आपको ये आएगा कि शर्ट या पजामा एक चीज भट्टी साहब एक चीज भूल ये लोगों को बेलिबास मारेंगे खाली पेट मारेंगे हकूक से महरूम करके मारेंगे ये गुमराह कर रहे हैं मैं एक भी चीज बतानी भूल गया ये जो 45 बिलियन का खसारा वर्ल्ड बैंक बता रहा है ये माली साल 10 और माली साल 19 यानी 9 सालों का खसारा है अब ये 1994 के माशाल्लाह जरदारी साहब ने वो भी अगर बीच में डाल लें तो ये 45 अरब कितने होंगे ये सारे आप बात कर रहे हैं हुकूमत को नहीं पता इन्होंने निकलवाना है क्यों रोकते हैं उनको जब आप लुटेरों को अपनी गोद में बिठा लेंगे आपके इन्वेस्टर होंगे आपकी एटीएम होगी आपके इलेक्शन में पैसे लगाएंगे आपको बाहर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी लेके देंगे तो कादी साहब फिर आप आम शहरी लुटेगा नहीं, आप नहीं समझते इकॉनमी यहाँ जो बड़े अशराफी है अरबपति खरबपति उनकी बेहतर हो सकती है या आम शहरियों की तो जब मुल्क में आम शहरियों को उनके हकूक मांगना जुर्म हो जाए यार वो अपनी मईशत बिल्कुल ठीक कर लें क्राइम में जो हमारा लिखा हुआ है वो तो दें आपकी तबाह करके तो अपने माला माल होंगे नवाज शरीफ की मुकम्मल शरीक है और मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जो जुल्म किया ना उसने रुपये को डॉलर में बदल दिया क्या प्रॉफिट डॉलर में हमसे लेंगे जो आपका सारे शामिल है अभी वक्त कम है अभी जरा थोड़ा सा ये
बात कर लें कि इंडिया में बड़ी आप 15 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए और उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा बताएं। ओ भाई काजी साहब, आपने जो फरमाया ना जो 2,70,00,000 नौजवान सिर्फ अप्रैल में बेरोजगार हुआ है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में टोटल बेरोजगारी जो है वो 13 करोड़ की है। और इंडिया पाकिस्तान की टाइप का कल्चर है, हर आदमी जब बाप कमाता है तो 5-6 बच्चे साथ हैं, तो जब आप 13 करोड़ को 5 से ज़र्ब देंगे तो अंदाजा लगा ले, 13 को 5 से ज़र्ब देंगे तो ये तो 60-70 करोड़ बनता है। इस वक्त अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो जिनका काम है कि ढेर सारा पैसा, सोचो दुनिया में क्या रहा, वो कह रहे हैं कि अगली थरथली इंडिया हो सकता है, अनारकी हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, मगर उनके जनरल तो कह रहे हैं हमला कर देंगे, अपना चीन पर हमला कर देंगे। मैं आपको बता दूं, भारत एक मकार है, चीन के साथ नहीं करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी शरारत कर सकता है, जिसका आज DGISI और 2-3 दिन पहले उनकी वजीर खारजा से भी उन्होंने चीफ को भी ब्रीफ कर दिया है, फैज जनरल फैज साहब ने, यानी अंदर का जो गंद है उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे रोकने के लिए। भारत पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, उधर शरारत कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और जिसे अफसोस है कि हमारी हुकूमत गाफल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी अस्करी क़यादत, आपकी फौज 24 घंटे चुकन्ना है। और ये बयान आया अभी आर्मी चीफ का कि किसी तौर भी हम खेते में काम खराब नहीं होने देंगे, तो इसको हम इसी पस मंजर में देखें, वही अपना असल मसाइल से हटाने के लिए। आपकी इंफॉर्मेशन तो अदारों के पास आती है ना, वो तो सोए नहीं रहते हमारे पॉलिटिशियन, या कुछ अगर उधर अस्करी क़यादत में करप्ट है, ज़्यादातर इन्हें बिरूने मुल्क का है कि मुझे हुकूमत दे दो, मुझे निकाल लो, मुझे आने दो, मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मुझे आने क्यों नहीं दिया। ओ भाई इस मुल्क का तो सोचो जी। भाई वकास, इस वीडियो में ये हमारे पाकिस्तान के मीडिया के जो 3% थे, ये अपने व्यूज दे रहे थे भट्टी साहब और ये सारे, तो इन्होंने जो सबसे पहली जो बात है ना, वो इंडिया की जो इकॉनमी है, वो एक उनकी जो मुंबई है ना, उसकी जो इकॉनमी है वो समथिंग बता रहे थे कितने बिलियन डॉलर है, 400 बिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान 283 है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई इंडिया का बंदा नहीं था, हमारे खुद हमारे जो मुल्क के जो एंकर पर्सन है, और ये बड़े वो बंदे हैं, इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये जी इंडिया का कोई दोस्त है जो कैसा, नहीं सही बात। तो वो खुद मार रहे हैं कि मुंबई की जो इकॉनमी है ना, एक मुंबई की इंडिया के शहर की, वो पाकिस्तान के पूरे की जो इकॉनमी है ना उससे ज्यादा है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, और इंडिया इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, बाकी बातें तो होती रहती हैं। तो ये इंडिया के लिए बड़े पैसा हो ना, जेब में नहीं तो सारे काम हो जाते हैं। कराची के बारे में बोल रहे थे अभी, कराची पहले इतना ज्यादा खूबसूरत था, अब उनकी कंडीशन वही है, हुक्मरान जो है ना करप्ट, हर किसी ने नोचा उनके बाद बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हालात कराची के बहुत ज्यादा खराब हैं, उन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जो है ना। एक बात मैं भी ऐड करता चलूं कि कराची में वो बता रहे थे कि इन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था, वो जो एंकर पर्सन था उनका तक वो सेल्फिश थे, हमारे लिए नहीं बनाया था, ये बात उनकी बिल्कुल 100% करेक्ट है। आज जो पाकिस्तान और इंडिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, या जो बॉर्डर लाइन का मसला बना हुआ है, पाकिस्तान कुछ इलाकों पर दावा कर रहा है, किसी इलाकों पर इंडिया दावा कर रहा है, ये जानबूझ कर इन्होंने ये वाला जो मतलब जो बॉर्डर की ना की था किया था, ताकि ये आपस में लड़ते मरते रहे, हमारी तरफ इनका ध्यान ही ना रहे, हम और हम सारी उम्र इन पर इतफाक नहीं करता कि जो अंग्रेज था ना वो सेल्फिश था, उसने ये अपने लिए ये शहर आबाद किया था, नहीं भाई मैं इनके साथ बिल्कुल इससे मैं इनकार हूं इस बात पे। पता क्या बात है, जो अंग्रेज था ना उनकी बनाई हुई चीजें हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेज के वक्त की बनाई हुई रेलवे लाइन जो हमारे मुल्क में चल रही है, उसके बाद कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाएगी। तो वो अपने जो के लिए मेरे पास जो अंग्रेज ने काम किए थे जो अंग्रेज ने मुल्क शहर आबाद किए थे ना, जैसे ये हमारा फैसलाबाद जो है उन्होंने अपने जो फ्लैग का जो नक्शा था उसके उन्होंने किया, और कमाल क्या उन्होंने ये किया, और कराची ये भी उन्होंने किया, उनके मन में भी नहीं था कि ये
ये तहरीकें उठेंगे, गांधी साहब उठेंगे या मोहम्मद अली जिन्ना उठेंगे हमारे हम से, मतलब के उनको उनको तो चाहिए यार होने के जाने के बाद इग्नोरेंस, मतलब कि पहले ये आप देख रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं पाकिस्तानी एंग्रो की जबानी आप सुन रहे हैं कि उनके जाने के बाद उस वक्त जो मेरे ख्याल में 1800 कितना लिखा हुआ था वो जब ये शहर आबाद हुआ कराची या उस वक्त की बातें वो कह रहे हैं तो वो कितना खूबसूरत शहर था, इतना खूबसूरत शहर था कि आप वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बंदा खुश होता कि वाकई ये कराची है उस वक्त। मैं हकीकत में एक बात बताऊं, बात ये होनी चाहिए थी, मैं मेरी बात सुन, होना तो ये चाहिए था ना कि इसकी तरक्की होती, ये ऊपर की तरफ जाता, बजाय ऊपर की तरफ जाने कराची जो है एक रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में डूबता गया और आज वहां पर कचरों के ढेर लगे हुए, कचरों के ढेर लगे हुए वहां पर। कराची के कोई वो हैं थोड़े जे लो लेवल के इलाके, नहीं तो कराची खूबसूरत है भाई, वो मेरी बात तो मेरे फूटे रोड कराची के सारे, मेरी बात तो सुन, साफ पीने को पानी नहीं है कराची में, हम रोज अपने हालात खराब हुए एमकेएम के दौर के अंदर, आपको पता है वो तो शुरू से एमकेएम की हुकूमत है वहां पर, तो और ये और ये आपको पता है इंडिया से मदद मांग रहा था, हमारी मदद करो हम ऐसे करते हैं भाई, उनके वो पास चला गया था। अब जो है ना पाकिस्तान आ भी नहीं सकता है, उस वक्त का जो मुंबई था जब ये 1800 समथिंग था, उस वक्त में मुंबई की हालत क्या थी और कराची की क्या थी, उनकी सेम थी, बड़े बेहतरीन थे, लेकिन आज आप अगर कंपेरिजन करते हैं ना मुंबई को, तो मुंबई जो है कराची से कहीं ज्यादा तरक्की करके वो एक यार उन लोगों को अच्छे लोग मेन बन चुका है ना, हमारी जो सियासी क्यादत ना हकीकत के बाद हमें कोई भी मुखलिस लीडर ही नहीं मिला, अच्छा नहीं लीडर, हकीकत बात तो ये 100% जिसने सोचा, आपको पता है जरदारी की जायदादें आप गिन नहीं सकते कौन कौन सी कंट्री, आप जो है ना नवाज शरीफ की आप हिसाब नहीं लगा सकते कितना पैसा वो पाकिस्तान में आना ही नहीं, ये भी भला इमरान खान का ने जिसने हमें बताया है, हाँ हम लोग हम लोगों को तो मेरे को पता ही नहीं था, तकरीबन इतना तो शऊर उन लोगों ने उसने दिया ये चीजें हैं, हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं इल्म था, अब इन लोगों को भी जायदादें बढ़ रहे हैं, ये तो उनका भला उन्होंने बता दिया इस बात से, ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक होंगी लेकिन जो फैक्ट्स है ना यार भाई मुर्तजा मेरी बात सुन ले, ये ठीक कैसे नहीं हो गया, आप माने ना हुन एक हुक्मरान है वो लूट लूट के बाहर हर चीज लेके चला गया पैसा टोटली, तो मुल्क पल्ले क्या रहे हैं, हमारे वोट से जाते हैं ना जितने भी हुक्मरान हमारे वोट से, और इसका मतलब जो है नेक्स्ट में वो पीपल पार्टी आएगी ये लिखे, ओ नहीं नहीं पीपल पार्टी वो क्या कहता है आवाम क्या जी हमारी कराची डूब रहा होता है ना, वो कहता बारिश ज्यादा आता तो पानी ज्यादा आता, जो तुम्हारे नेक्स्ट हो गए वो पीपल पार्टी देख रहे हैं जनता पंजाब में, वो बता भी रहे हैं हमारे एंकर भी देख रहे थे सुन रहे थे कि जो मुलाजमीन है ना वो सिर्फ जाते हैं अपनी जो तनख्वाह है ना वो लेकर वापस आ जाते हैं, काम कुछ नहीं करते, और वो देख लें कि कराची में पानी वो बारिश का कितना यहाँ पर भाई मुर्तदा आबादी जो है ना ज्यादा हो रही है, ठीक है ना बहुत ज्यादा होगी आबादी हो रही है, अब जो है मेरी बात तो सुन जैसे मेरी बात कराची में आबादी ज्यादा हुई है इसी तरह मुंबई में भी आबादी ज्यादा हुई है, लेकिन उन लोगों ने मैनेज किया है, अब लाहौर का जो इमरान खान चिल्ला रहा है भाई वे आबादी ज्यादा हो रही बहुत मुश्किल हो रही है, उनको अलहदा शहर बसाया उसके कोई ना कोई हल निकालने चाहिए, निकालना चाहिए, कर रहा है वो कोशिश जो वो दूसरे मजाक उठाते लाए ऐसा क्यों कर रहे था, क्यों कर रहे भाई वो नेक्स्ट टाइम सोचता है आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, ये तो आरजी सोचते थे भी बस आरजी जो सोचते है सोचते भी नहीं थे, ये तो जो पहले हमारे जो नवाज शरीफ और जरदारी थे ना इन्होंने अपना बनाया हुआ तो 5 साल आपने करनी है, पांच साल हमने करनी लूटना है, कुछ ना है ना हमने आपको पता है वो शबाज शरीफ कहता था मैं आपका पैर फाड़ के अब वो सारे नल कहीं मिल के बैठे हुए इमरान खान को पीछे, मुंबई का तो कराची का आप देख लें ये इकट्ठे शहर आबाद हुए थे मेरे ख्याल में और उसकी तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें देख लें कवाल के शहर थे, अब कराची जो है वो देख लें कि देखने को मन नहीं करता वहां पर किसी का जाने को मन नहीं करता, और जो मुंबई है वो कहीं से कहां तक पहुंच गया और वो इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, मुंबई में उनके जो मेन मेन चीजें हैं उनकी जो सारी बॉलीवुड है वहां पर है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं
जो उनके जो समंदर है उनके साथ उन्होंने कैसी वो ब्रिजेस बनाई हुई है, हमने वो वाला हमने किया था उस पर इलेक्शन भी दिया था और वो तो बाल क्यों वहां पर मामला कर रही है बंदी यार, आपको शायद ये नहीं पता ये सिंध के पास ना वो आपको पता ना समंदर के अंदर जगह होती थोड़ी थोड़ी उसको पता नहीं रुकता क्या बोलता हां वो इमरान खान कहता भी उनके ऊपर पैसा लगाते हैं भी भाई वो लगाते हैं अभी सोच रहे हैं ना सोच नहीं रहा वो आपको पता सिंध हुकूमत के अंदर है वो नहीं मान रही वो कहता पैसा तो लगाने दो आपकी चीज है आपके पास ही रहेगी लेकिन वो नहीं मान रहे। ये मुझे की बात है ये व्यूज सुनकर हमारे अपने एक पर्सन है और ये वीडियो देखकर इतना अफसोस हो रहा है कि मुंबई जो है ना और कराची कराची जनाब उससे अब तक अंधेरों में डूब चुका है और जो तरक्की करनी चाहिए थी एक रोशनियों के शहर को वो नहीं कर सका तो दूसरी तरफ उसके नहीं भाई जो इंडिया है ग्रीन लाइन उनका जो मुंबई शहर है वो कहीं से कहीं तरक्की कर चुका है। ये हम गुड लक है इंडिया की को उनको उनके हुक्मरान अच्छे मिले उन्होंने तरक्की की और उनका जो मुंबई है उसका हमारे कराची से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो 400 बिलियन से अबव कर चुकी है और हमारी 200 बिलियन से भी कम है और ये आप देख रहे हैं कि क्या इसका मुआवजा है तो कोई इसका नहीं है। हमारे पूरे पाकिस्तान की ये जो है ना ये इकोनॉमी इतनी है 200 समथिंग उनकी एक मुंबई की इतनी है इकोनॉमी हमारा जो पूरा मुल्क है ना भाई उन्हें महाराष्ट्र की बताई थी इकोनॉमी कितनी 3 उसमें मुंबई भी आता था मुंबई भी इसमें मुंबई की अकेली की भाई उनकी हेयर के एक मूवी जो है इतना इतना बिजनेस कर जाती है आपको पता नहीं ये सोचने वाली बात है। तो जय थी जी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह।